नमस्कार दोस्तों, बारकोड जोन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं गौरव आपको आज मैं बताने जा रहा हूं पीटीटी 6C के बारे में। इसको अनबॉक्स करता हूं और किस तरीके से इसको यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका डिवाइस है पीटीटी 6C। मैं आपको इसको यूज करना दिखाता हूँ किस तरीके से इसको यूज करते हैं। ये देख सकते हैं इसमें ऑन का बटन है, आपका रेड कलर का जो बटन दिख रहा है छोटा सा, इससे आप ऑन कर सकते हैं। इसको एक बार पुश करेंगे इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। ये आपका ऑन हो गया है और ये आपका ऑन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। इसमें देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है आपको वायरलेस स्कैनिंग का और बारकोड कैप्चर का और बारकोड इन्वेंट्री का। आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि तीन ऑप्शन है, तीनों आपके मेन है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में किस तरीके से इसको स्कैन करते हैं। तो वायरलेस स्कैनिंग का किस तरीके से आपको यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रियल टाइम डेटा भी कहते हैं। इसका ये डोंगल है, इसको आपको अपने सिस्टम से इसको सिर्फ नॉर्मली इस तरीके से लगाना है। ये ब्लिंक करने लगेगा, ये आपका ऑन हो गया है। यहाँ से आप एक नंबर प्रेस कर सकते हैं, येलो वाला ये जो बटन है ये भी प्रेस कर सकते हैं। आपका मेन्यू खुल जाएगा, ये इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये आपका मेन्यू खुल गया है, तो मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से स्कैन करेंगे, ये आपका रियल टाइम डेटा आप देख सकते हैं जैसे कि आपके लैपटॉप के सिस्टम पे। और इसे भी स्कैन कर लेते हैं, ये देखिए जैसे कि फिर भी स्कैन करेंगे ये आपका रियल टाइम डेटा आपको दिखा देगा और यहाँ पे भी आपका ये शो करेगा साथ साथ। अब मैं आपको इसका सेकंड फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो कि बारकोड कैप्चर का ऑप्शन है और किस तरीके से, मतलब आप जैसे सिस्टम के अपने पास नहीं है, आपको स्कैन करना है थोड़ी सी दूर पे जाकर के, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं और कैसे इसका डेटा यहाँ पे आएगा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये बारकोड कैप्चर पे जाएंगे या दो नंबर का बटन जो है ये आप सीधा प्रेस कर सकते हैं एक बार और ये सेकेंड ऑप्शन आपका खुल गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्कैन बारकोड। स्कैन बारकोड करेंगे आपका डेटा यहाँ पे, इसमें आपका जितना बार आप स्कैन करेंगे उतना डेटा आपका इसमें स्टोर होता रहेगा इस तरीके से। यह आपका स्टोर होता रहेगा, यहाँ से आपको जाना है, बैक करना है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिख रहा है वायरलेस सेंड, ऑप्शन आ रहा होगा वायरलेस सेंड थर्ड नंबर पे, तो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार कर्सर आपको यहाँ पे रखना है, जैसे कि आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे दिखाता हूँ थर्ड नंबर का ऑप्शन है इसमें वायरलेस सेंड। यहाँ आपने प्रेस करेंगे यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने इस स्कैनर में फीड किया था या आपने जो भी स्कैन किया था। अब मैं आपको सर थर्ड फीचर के बारे में बताता हूँ। एक बार स्कैप का बटन करना है, दोबारा से एक बार स्कैप करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंटरी का ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे, देख सकते हैं आप जैसे कि थर्ड नंबर पे डायरेक्ट इन्वेंटरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से थर्ड नंबर का बटन प्रेस करेंगे डायरेक्ट इन्वेंटरी का ऑप्शन खुल जाएगा आपका। ये आपका डायरेक्ट इन्वेंटरी का ऑप्शन खुला, यहाँ पे इन्वेंटरी का ऑप्शन आ रहा है। एक नंबर का की प्रेस करेंगे इन्वेंटरी के लिए आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको इन्वेंटरी का मैं बताता हूँ, जैसे ये आपके पास स्कैनर है, स्कैनर का बॉक्स है, कुछ भी आपके पास एनीथिंग कोई भी प्रोडक्ट है, आपने इसको एक बार स्कैन किया, इसके आपको जैसे एक बार स्कैन करेंगे डेटा आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे आपके पास इसको 200 स्कैनर्स है आपके पास, तो आपको 200 बार स्कैन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप मैनुअली इस तरीके से 2 और 0 0 दो बार। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे ये आपका ऐड हो गया। जैसे कि आपको ध्यान आता है बाद में भी, अगर आपको लगता है कि यदि 5 स्कैनर पास और थे, अगर आपको दोबारा से ऐड करना है तो सेम एक बार इसको स्कैन करेंगे, यहाँ से मैनुअली आपको 5 टाइप करना है और यहाँ से ऐड करना है, ये आपका ऐड हो गया। जैसे कि आपको दूसरा प्रोडक्ट भी आपको ऐड करना है, तो कोई आपको बाहर एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, सेम इसी में आप इस तरीके से इसको स्कैन कर सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट आपके पास, जैसे जो भी नंबर ऑफ काउंटिंग है जैसे 1 2 1 5 0 कुछ भी, यहाँ से आपने क्लिक किया और यहाँ से ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कर दिया आपने। ये आपका इन्वेंट्री ट्रैक हो सकता है, इससे इन्वेंट्री आपने ऐड कर लिया। स्कैप करना है आपको दो एक बार स्कैप करेंगे, थर्ड नंबर पे आप ऑप्शन देख सकते हैं वायरलेस सेंड, कि आपने क्या क्या स्कैन किया, क्या क्या आपके पास डेटा है आपको अपने सिस्टम पे चाहिए एक्सेल पे, तो किस तरीके से आप ला सकते हैं मैं यहाँ दिखाता हूँ। थर्ड नंबर पर आपका दिख रहा है वायरलेस सेंड का ऑप्शन और यहाँ से थर्ड नंबर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि यहाँ से मैं थर्ड नंबर क्लिक करूंगा यहाँ पे सारा डेटा आपका शो कर जाएगा कि आपने कितना बार स्कैन किया। ये देखिए जैसे कि आपके पास 3 प्रोडक्ट आपने स्कैन किया, 3 पे आपकी क्वांटिटी क्या क्या आपने डाली है और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, इस तरीके से ये शो कर सकता है।
और बस यही इसके बेसिक फीचर्स है, मेन फीचर्स है। और इस डिवाइस के बारे में कुछ बता दूं मैं आपको, काफी रगेड डिवाइस है, काफी इजी टू हैंडल है और काफी ही लाइट वेट है। इसको कहीं भी आप इजली कैरी कर सकते हैं। काफी इसकी जो बैटरी है वो भी ड्यूरेबिलिटी इसकी काफी अच्छी खासी है। और इसमें सबसे पहली बात चार्जेबल बैटरी भी लग सकती है। और नॉर्मल सी बात, जैसे चार्जेबल बैटरी खत्म हो गई आपको अर्जेंट बेसिस पे जरूरत है तो जिस रिमोट्स वगैरह में जो सेट डालते हैं वो भी इसमें यूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और दूसरे डिवाइस के कॉम्पेरिजन में आपको बता दूं कि इस फीचर्स में अगर दूसरा डिवाइस लेते हैं तो 30-40,000 प्लस टैक्स में वो डिवाइस मिलता है। और ये जहाँ इस डिवाइस की कीमत है आपको 15-18,000 की रेंज में ये डिवाइस आपको मिल जाएगा। इस डिवाइस में फिलहाल इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ आपके लिए। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं।